यस यस सुप्रिया मैम, वेलकम वेलकम, आई रियली अप्रिशिएट। पापी, आप हेलो, आवाज आ रहा है मैम? यस यस, यस, गुड इवनिंग सर। बैकग्राउंड से शायद आवाज है आपका। हाँ नहीं, अभी नहीं है, ठीक है, आ रहा है। या क्लियर। ओके, सो वेलकम, आपका स्वागत है। आप डॉक्टर सुप्रिया गुट्टे, आपका एजुकेशन MBBS है, ये आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी था, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही आपने GSC ज्वाइन किया। आप अभी PG कर रहे हैं और 27 सितंबर, मतलब 27 सितंबर 2021 को बेबी बॉय को अपने जन्म दिया है सक्षम। तो कैसा रहा आपका जर्नी? ओके सर, सर मेरा नाम डॉक्टर सुप्रिया गुट्टे केंद्रे है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, परभणी जिले से। मैंने GSC ज्वाइन किया था मेरे फोर्थ मंथ में प्रेगनेंसी के। एक्चुअली वो सोशल मीडिया पे मेरे हस्बैंड ने उसका एडवर्टाइज देखा, तो उन्होंने मैं तो पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। एक्चुअली मैं पीजी नहीं कर रही हूँ, मेरा UG हो गया है और पीजी के एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। हाँ सर, तो मेरे हस्बैंड ने वो एडवर्टाइज देखा था फेसबुक पे और उन्होंने एनरोल भी कर लिया और बोला कि मेरा एग्जाम 18th of April को था और उसी दिन अपना वर्कशॉप था, तो वो सेमिनार वो ही अटेंड करने वाले थे और फिर मुझे बाद में बताने वाले थे कि उसमें क्या क्या है। मतलब एनरोल किया ये भी मुझे पता नहीं था, लेकिन डे बिफोर द एग्जाम डे एग्जाम कैंसिल हो गया ऐसा पता चला वो कोविड की वजह से। देन उस दिन वो बोले कि नहीं, अभी तो मेरे से ज्यादा तुझे समझ में आएगा, तू ही अटेंड कर। तो मुझे ग्रेट। लगता है दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट आई एवर गॉट फ्रॉम हिम। और वो वेबिनार अटेंड करने के बाद तभी उसी दिन हमने उसे ज्वाइन कर लिया। फिर वही सर, पूरे जो एक्टिविटीज थे वेबिनार के दिन, जो ट्रांस सुना, वो सब बहुत पसंद आया। और अफर्मेशंस पे तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मतलब हम जो कहते हैं ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस, यस यस, और वही अफर्मेशन काम करता है। मतलब हम सुबह उठते ही वो पहला काम करते हैं, लिख देते हैं, तो पूरा दिन हमारे सबकॉन्शियस में वही रहता है। और सोने जाते हैं तो पढ़ के सोते हैं, तो वो रात भर भी हमारे सबकॉन्शियस में रहता है, तो वो एक्ट करता है ऐसा लगा मुझे। बाकी या जो भी एक्टिविटीज है वो सब फॉलो करती थी। कुछ एक्टिविटीज स्किप होता था, कुछ नहीं होता था। 7th month तक मैंने स्टडी भी चालू रखा था मेरा साथ साथ में। लेकिन अफर्मेशंस और दोपहर को ट्रांस सुनना, ये दो चीजें मैंने कभी भी स्किप नहीं की। इवन कई बार मैंने देखा है ना कि मतलब एलोपैथी के जो भी डॉक्टर्स होते हैं, कई बार ये मतलब विश्वास नहीं रखते थे गर्भ संस्कार के ऊपर। मैंने भी कई सारे डॉक्टरों से डिस्कस किया, पुणे में हमारे साथ में अभी इतने सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए, इवन GSC फैमिली में लगभग 500 से भी अधिक डॉक्टर महिलाएं हैं। तो मैंने उनसे भी बात किया कि मैं जब भी उनके पास में गया, उनको मैंने समझाया कि सी आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपके बेबी को कुछ बेहतर बना रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी उस हर एक गर्भवती महिला की जर्नी को बेहतर बना रहा हूँ। उनको जो पेन, दुख, दर्द, स्ट्रेस, टेंशन हो रहा है, उनको मैं दूर करने की कोशिश हो रहा हूँ। अपने आप माँ अगर हैप्पी रहेगी तो बेबी डेफिनेटली हैप्पी ही जन्मेगा। यस सर, तो आपका बिलीफ कैसा था? मतलब आपने पहले से ही, आपको इसके बारे में जानकारी थी, आपने कैसे विश्वास रखा? और नहीं सर, मुझे इतना पता था कि पूरा प्रेगनेंसी तो एंजॉय करना है मुझे, तो एक GSC के वजह से पूरा मतलब दिन भर उसके एक्टिविटीज में, दिन में फिर हम बेबी का ही सोचते थे ना। अदरवाइज मेरा जस्ट है प्रेगनेंसी है ऐसा चलता था। जब बेबी बाहर आएगा तब हम उसके बारे में सोचेंगे, एग्जैक्टली, ये ये सब होता। बहुत 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 बड़ा वर्ड आपने यहाँ पे कहा कि नॉर्मली लोग ऐसा ही सोचते हैं। प्रेगनेंसी मेंटेन होने के बाद में लोगों को लगता है कि बस हो गए, हम डॉक्टरों के पास में जा रहे हैं, मेडिसिंस ले रहे हैं, कंसल्टेशंस कर रहे हैं, बाकी सब कुछ अच्छा है, बस हो गया। और नॉर्मली मैंने देखा है कि कई सारी महिलाएं ये भी सोचती है कि यार कब ये 9 महीने खत्म होंगे, कब एक बार बेबी आएगा। बट ये वेटिंग पीरियड कुदरत ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है, बट वो कुछ सोच के बनाया हुआ है और बेहतर पीरियड है। यहाँ पे हेट नहीं, बल्कि यहाँ पे लव करना है अपने आप से और अपने बेबी से। और ये करेंगे तो डेफिनेटली जर्नी बेहतर ही रहने वाली है। सो आपने कैसे, मतलब ये सारा संभालते हुए कैसे आपने डेली एक्टिविटीज और रूटीन कैसे किया, और कितने महीनों तक आपने GSC की सारी एक्टिविटीज अच्छी तरह से फॉलो की? सर, पूरे 9 month तक किया। 4th month से एक्टिविटीज तो पूरे किए मैंने। वाह वाह,
हाँ सर, 7 मंथ तक किया। एक्चुअली 8 मंथ में मेरा थोड़ा बीपी रेज्ड हो गया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं ना, तो वो हो गया था 8 मंथ में। तो मैंने फिर स्टडी तो मेरा छोड़ ही दे दिया उसके बाद करना, 2 महीने के लिए पूरा कंसंट्रेशन प्रेगनेंसी पे कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा था कि स्टडी के टेंशन से होता होगा, तो नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं लेना ऐसा। और सर एक्चुअली फिर 37 वीक में हमने टर्मिनेट प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का डिसीजन ले लिया था, क्योंकि मेरा बीपी रेज्ड हो रहा था। और हमने यूएसजी पे देखा तो थोड़ा बेबी का ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन था, मेरे वही ब्लड प्रेशर की वजह से ही था। तो क्या करे, फिर 37 वीक में टर्मिनेट करने को बोला, तब यूएसजी करा तो बेबी के नेक के अराउंड 3 लूप्स ऑफ कॉर्ड थे। तो ओ तब हमने, और मेरे हस्बैंड भी गायनेकोलॉजिस्ट ही है, वाह, हाँ, उनको भी लग रहा था कि नहीं हम सिजेरियन करके ही निकाल लेंगे। और हमने 2-3 उनके सीनियर से वगैरह कंसल्ट किया, तो सबका मानना आ रहा था नहीं कि सिजेरियन कर लो। लेकिन एक उनके सीनियर है शिंदे सर बोल के, वो बोले नहीं हम थोड़ा सा ट्राई दे के देखेंगे, क्योंकि फिर सीजर करने में भी लोअर सेगमेंट फॉर्म होता है तो थोड़ा इजी जाता है, तो देखेंगे। तो फिर हमने 2 दिन पहले सेट कर लिया था कि अब मंडे को डिलीवरी करना है। तो 2 दिन मैंने नॉर्मल डिलीवरी का और सेफ डिलीवरी का और नॉर्मल लेबर का अफर्मेशंस लिखना चालू कर दिया। ठीक वाह है, जो भी होगा आउटकम तो अच्छा ही होने वाला है, नॉर्मल हो या सिजेरियन हो। बट मैंने लिखा 2 दिन थोड़ा सा। फिर उस दिन मंडे को इंड्यूस कर दिया हमने नॉर्मली, और इतना अच्छा से प्रोग्रेस हुआ, मुझे लेबर पेंस बाय नेचर बिल्कुल नहीं आए थे। हमने पूरा इंड्यूस कर लिया था, तो भी विद इन 8 आवर्स मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो गया। ओह वाह, रियली ग्रेट, बहुत बढ़िया। और सारा मतलब डॉक्टर हॉस्पिटल का स्टाफ बोल रहा है कि बियर डाउन भी बहुत अच्छे से किया। मतलब मुझे, मैंने एक बार भी ऐसा चिल्लाया नहीं या गिव अप नहीं कर दिया, नहीं तो मुझे भी वाह पता नहीं कहाँ से आ गया पावर उस दिन। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे हैं नहीं मैं तो विष्णु माने सर को बोल दूंगा कि आपकी वजह से ही वो सब गर्भ संस्कार की वजह से ही हो गया। मेरे तो सबको लग रहा था नहीं टॉलरेट नहीं करेगी, बियर नहीं करेगी। रियली ग्रेट, रियली ग्रेट, बहुत बहुत इंस्पायरिंग। इवन आज अभी जो आपने एंड में कहा ना, ये डेफिनेटली ये आपके सेंटेंसेस कई सारे लोगों को इंस्पायर करने वाले। बहुत बहुत अच्छे तरह से आपने आपका एक्सपीरियंस कहा। अभी डिलीवरी तो हो गई, मतलब इवन मुझे तो महिलाओं से फीडबैक मिलता है कि यस, लेबर रूम में भी हम ट्रांस सुन रहे थे, तो आपने कुछ ट्रांस भी सुने कैसा? लेबर रूम में नहीं, मुझे पता था अब मुझे जाना है, तो उस दिन सुबह मैंने ट्रांस सुन लिया, रात को ही सुन लिया था। और मेरे अफर्मेशंस जो थे नए वाले, मैंने थोड़े मॉडिफाई किए थे 2 दिन पहले, और वो अफर्मेशंस तो मैं दिन में 3-4 बार लिखती थी, 3-4 बार पढ़ती थी, ऐसा पूरा हो गया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, और पोस्ट प्रेगनेंसी भी जो हमारा ट्रांस है ना पोस्टपार्टम का, वो मैंने सुना पोस्ट प्रेगनेंसी। तो पहले 10-15 दिन जो थोड़ा सा पेन होता था, वीकनेस था, तो उसके लिए उसने बहुत हेल्प किया, रियली रिकवरी के ग्रेट लिए बहुत अच्छा लगा उससे। मतलब नींद ग्रेट, नहीं आती तो उसके साथ अच्छे से नींद आती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में नींद बहुत हैम्पर हो गई थी। बेबी रात को जगता था, 2-2 घंटे उठना पड़ा, मतलब कंटिन्यूअसली 2 घंटे से ज्यादा मैं भी सो नहीं सकती थी। तो वो सब फिर ट्रांस सुना ना, तो ट्रांस के बाद जो हाफ एन आवर का भी नैप आ गया तो अच्छा लगता था। अच्छा लगता था। यस यस, आई ऑलवेज से ना कि ट्रांस जो है, ट्रांस गहरी नींद है, और हाफ एन आवर का ट्रांस इज इक्वल टू 5 आवर की नींद है। तो हाफ घंटे का ट्रांस भी आपको 5 घंटे की नींद के बराबर रिलैक्सेशन और स्टेबिलिटी देता है। यस सर, एक्चुअली बेबी तो प्रीटर्म बॉर्न हुआ 37 वीक्स में, या मतलब लगभग 2 वीक्स पहले ही बॉर्न हुआ। तो भी बाय बर्थ उसका विजन एकदम फिक्स है। जब से वो फर्स्ट टाइम रिलेटिव उसके हाथ में दे दिया, तब से वो इतना देखता था मेरी माँ को, तो ऐसा देखता था, उसका फोटो भी है मम्मा के साथ ऐसा। मतलब सब बोल रहे बिल्कुल थे कि 2-3 महीने बेबी ये अच्छे से देख नहीं पाता, मतलब उसका विजन फिक्स नहीं होता, और ये अभी से सबको देखता है और ऐसा देखता है कि जैसे कितनी पुरानी पहचान हो। और बाकी भी बहुत काम है, वो थोड़ा अंडरवेट था तब, 2 केजी का ही था, लेकिन पिकअप बहुत अच्छे से कर लिया उसका, उसको एनआईसीयू नहीं लगा, एक भी वाह, हॉस्पिटल में मतलब पीडियाट्रिशियन के पास रखना नहीं पड़ा, बहुत अच्छे से, मतलब एक्टिव बहुत है। यस हमें सर, भी यहाँ पे सुनाई दे रहा है उनका, मतलब खेलना आवाज। सो गया था ना तो थोड़ा जग गया है। ओके ओके ग्रेट।
तो मतलब देर आर डिफरेंसेस, मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद में भी बेबी के अंदर आप वो महसूस कर पा रहे हैं रिजल्ट जो है, और डेफिनेटली एक्चुअली सर पेट में बच्चा बढ़ रहा है ना 9 मंथ, हम वो तो प्रोग्रेस देख रहे हैं, तो जैसा वो फिजिकली बढ़ रहा है वैसा वो मेंटली स्पिरिचुअली भी बढ़ता है, तो उसके ओ अंग को हमने जीएससी से ग्रो किया है अच्छे से, मतलब बाहर आने के बाद तो ग्रो हो जाएगा, लेकिन आप उसको पेट में से ही वो सब सिखाएंगे तो उसके जो माइलस्टोन्स है आगे की ग्रोथ है वो और जल्दी हो जाएंगी। पर हम जो बोलते पहले 5 साल तक ही बेबी का ऑलमोस्ट 90-95% ब्रेन डेवलप हो जाता है, तो वो सब हमें जल्दी आ जाएगा, तो माइलस्टोन्स बोलो या मेंटल ग्रोथ बोलो ब्रेन डेवलपमेंट ये सब में बेबी का ये बहुत फायदा करेगा। तो सब लोगों ने जीएससी ज्वाइन करना चाहिए। सब लोगों ने करना चाहिए, और आप बोलते ना कोई इस पे बिलीव नहीं करता, तो ठीक है आप बिलीव मत करो मिरेकल्स, जीएससी से मुझे तो लगता है बेबी से ज्यादा जीएससी का फायदा मुझे हुआ है। कोविड इरा था, सब एंजाइटी था, हर एक दिन कुछ ना कुछ न्यूज सुनने को मिलता था, तो उसका परिणाम तो एक तो सबको पता है ना कि हम हेल्दी नहीं रहेंगे मेंटली फिजिकली, तो उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ेगा, तो हमें हेल्दी रखने का भी काम बहुत अच्छे से किया जीएससी ने। और वही हमारे गर्भ संस्कार की हमारी डेफिनेशन डिफरेंट ही है, जीएससी का डेफिनेशन वही है, गर्भ संस्कार चैलेंज का डेफिनेशन है कि उस हर एक गर्भवती महिला का कंप्लीट 9 मंथ 9 डेज के लिए हैप्पी रहना, एक्टिव रहना, क्रिएटिव रहना, एनर्जेटिक रहना, पीसफुल रहना, स्टेबल रहना और पॉजिटिव रहना, यानी गर्भ संस्कार। तो ये है गर्भ संस्कार, और उसी वे से हम ये फॉलो कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से इतने सारे डॉक्टर्स, इतनी सारी मतलब फैमिली, 1 साल में 1.25 साल में इतने सारे लोग आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं। रियली ग्रेट, सो रियली ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वर्किंग होकर भी एक 7-8, मतलब बाकी भी ऑफिस वर्क होगा तो एक 7-8 घंटे का होगा, बाकी टाइम हम क्या करते हैं, और ये ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ बैठना है क्लास की तरह और करना है, कुछ भी काम करते करते म्यूजिक सुनो, ट्रांस सुनो, और योगा, सुबह का योगा तो नॉर्मली हर दिन करते हैं, वैसे प्रेगनेंसी में भी करो, स्लगिशनेस आना नहीं चाहिए, और हार्मोन्स की वजह से भी थोड़ा एंजाइटी वगैरह रहता है, बॉडी के चेंजेस हो जाते हैं, तो वो सब टॉलरेट करने के लिए जो पावर मिलता है ना वो जीएससी के सब एक्टिविटीज फॉलो करने से मिलता है। उल्टा काम करेंगे ऊपर से प्रेगनेंसी, दोनों को बूस्ट करने के लिए जीएससी का यूज करो, ऐसा लगता है मुझे, ये कुछ अलग सा काम नहीं है, रिफ्रेशमेंट है। यस यस, चलिए ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, यहाँ पे आए और लोगों को इंस्पायर किया, हमें भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि रियली आई फील वेरी 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 प्राउड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू।